हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो यानी कि आपके पार्टनर। ठीक है, आपके पार्टनर जो भी, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिनके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ये उनके बारे में है जो आपसे पता आपको बता नहीं पा रहे कि उनके मन में क्या है, क्या बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो एग्जैक्टली आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है आपके लिए। ठीक है, सो यूज़ करेंगे आपका फेवरेट मेथड केल्टिक क्रॉस। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग भी है, टाइमलेस भी है, साथ ही साथ जनरल रीडिंग भी है। जरूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर कई बार कर जाती है। अगर आप लोगों को वीडियोस मेरी पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया तो थैंक यू सो मच। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपका फोकस एनर्जीज पे होना चाहिए। मैंने कहा आपका फोकस जर्नी पे होना चाहिए, नहीं एनर्जी पे होना चाहिए। जजमेंट, रीबर्थ यानी कि डेथ, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स ये ऑब्स्टेकल कार्ड है, ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, द फूल, टेन ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ पेंटिकल, क्या बात है, एट ऑफ पेंटिकल, हे भगवान, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, हे, ओवरऑल आउटकम व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। सो डेक्स में एक और क्लैरिफायर के लिए ले रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिख सके, लाइक कार्ड समझ में आए, दिखने को हो सके, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए फोकस थोड़ा यहाँ स्ट्रेट किया है ताकि आप लोगों को कार्ड दिखे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। मैंने सोचा कि बैकग्राउंड में बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, आप लोगों को मेन कास्ट देखनी होगी, इसलिए मैंने फोकस बढ़ा दिया इसका। ठीक है, सो क्लैरिफायर के लिए मैंने एक और डेक ले लिया है। मैं बता देती हूँ कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। वेरी स्ट्रांगली मुझे जेमिनी और कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए एयर साइंस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, अगेन वंस अगेन जेमिनी मुझे दिख रही है, ओके। सो ये साइन आपकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, इसलिए हो सकता है मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है। सो सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपके पर्सन जो है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कोई झूठ या कोई मैनिपुलेशन कर चुके हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, आपका दिल दुखाया है, बोला कुछ और है, किया कुछ और है, आपसे दूरी बनाई है इसीलिए ताकि आपको कोई क्लैरिटी ना देनी पड़े, कोई सफाई ना देनी पड़े। कोई ऐसी चीज़ हो सकता है कि आपके साथ घटित हुई, फॉर एन एग्जाम्पल इनकी शादी शायद कहीं फिक्स हो गई और ये आपको सिर्फ बता नहीं रहे थे, सडनली आपको पता चला कि शादी वादी फिक्स हो गई है, ये आगे बढ़ रहे हैं, कोई क्लैरिटी ना देनी पड़े इसलिए ये आपसे दूर हो गए हैं। कोई भी कारणवश से हो सकता है ये पर्सन आपको सडनली, बोलते ना, मैनिपुलेट करके आपसे गायब हुए हैं, आपसे दूरी बना ली है, एक सडन गोस्ट कर दिया, बजाय जवाब देने के आपसे दूरी बनाना ज्यादा सही समझा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। इनका प्रॉब्लम यह है कि आपसे खुलकर बात नहीं कर रहे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे डर रहे हैं खुलकर बात करने से, इनको लगता है कि इनके भेद खुल जाएंगे अगर इन्होंने खुलकर बात की तो। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, इनके मन में ऐसी इच्छा है ना कि ये आपके साथ हमेशा कंटिन्यू करना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, आप इनको कभी छोड़ के ना जाएं, ये इनकी इच्छा है। बट इनका प्रॉब्लम ये है कि ये उसके लिए कुछ बलिदान, त्याग या सैक्रिफाइसेस या कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए रेडी नहीं है। ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एडजस्ट करें और ये नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है हर बार आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है। इस रिश्ते में जो भी चीज़ें हो रही है वो आपके थ्रू ज़्यादा हो रही है, हर चीज़ में गिविंग भी आप हो, हर चीज़ करनी भी आपको है, हर जगह का कॉम्प्रोमाइज़ आपके, सेक्रीफाइसेस आपके हर चीज़, बोलते हैं ना, लोगों से अगर कुछ सुनना भी पड़ रहा है तो वो भी आप ही के हिस्से, इनकी तरफ से एफर्ट नहीं है। और जहाँ पर मुश्किल ऐसी आ जाती है कि जहाँ इनको जवाब देना पड़ जाए आपको कि अब तुमने ऐसा क्यों किया, या तुमने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया, या मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे, या भाई तुमने फलाना हमका ढमका पर्सन से शादी क्यों कर ली, या उसके साथ डिसीजन क्यों लिया, तो ये पर्सन गुम, पास्ट की एनर्जीज हैं ये इनकी। ठीक है, पास्ट की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको कोई ऐसा था कि सवाल जवाब नहीं देने थे, आप उनको मालूम था कि आप उनसे सवाल पूछेंगे, आप उनके ऊपर, बोलते ना, हावी होंगे, जवाब ना देना पड़े, इसीलिए ये पर्सन जो है आपसे दूर हुए हैं। तो ये कार्ड खुद आया है, मैंने अंदर डाला, फिर सोचा नहीं यार इसका कोई रीजन हो सकता है, इसे मैं बाद में पढ़ती हूँ। ओके, जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स।
अभी मैं ये कह सकती हूँ ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ओ गॉड मुझे तो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज्यादा झूठ या मैनिपुलेशन या चीटिंग की है, ठीक है, किसी तरीके से बेवकूफ बनाया गया है आपको, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको उल्टा विक्टिम कार्ड प्ले करके दिखाया गया है, लाइक बोलते ना एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, मतलब उन्होंने जो किया है उल्टा आप ही के ऊपर डाल दिया है। लाइक आप अगर दोनों के बीच में कोई बात भी होती है तो ये ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि आपने गलतियां की हैं, आपकी तरफ से मिस्टेक हुई, आपने उस दिन फलाना दिन पे इनको ध्यान नहीं दिया भाई, चाय का कप नहीं दिया, इसीलिए इनका मूड खराब हो गया, फलाना दिन पे ऐसा हुआ कि इन्होंने आपको गुड मॉर्निंग बोला, आपने रिटर्न में गुड मॉर्निंग नहीं बोला, इसलिए इनका मूड खराब हुआ, इन्होंने आपको इसलिए गोस्ट कर दिया। इन शॉर्ट उदाहरण के तौर पे ये बता रही हूँ कि ये पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि गलतियाँ पूरी खुद कर रहे हैं, जानते भी हैं इस गलती के बारे में कि पूरी गलतियाँ इन्हीं से हुई है, यानी कि आपके पार्टनर लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, गलतियाँ इन्हीं से ही हुई है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्यों एग्री करेंगे, इनको विक्टिम कार्ड प्ले करना बहुत अच्छे से आता है, ये उल्टा आपके ऊपर हावी हो सके इसलिए ये ऐसे बिहेवियर में है जहाँ पर ये आपको दिखाना चाहते हैं कि यार तुम्हारी गलती थी, तुम्हें उस वक्त समझना चाहिए था, मैं तुम्हें समझा रहा था, तुम सुन ही नहीं रहे थे, तुम बेवकूफ़ बन रहे थे, तुम ये कर रहे थे, लाइक कुछ भी हो ना बोला फालतू में आपके ही ऊपर गले पे बोलते ना तलवार लगा के रख दी है इस पर्सन ने। झूठ, लाइंग, झूठ, बेवकूफ़ बनाना, मैनिपुलेट करना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनको झूठ बोल के आपके अलावा कहीं और मन में टका करना है, नहीं नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन को क्लैरिटी देने से डर इसलिए लगता है क्योंकि इनको लगता है आप उनके हाथ से चले जाएंगे और ये अपने हाथ से आपको जाने नहीं देना चाहते, ये चाहते हैं आप भी इनकी मुट्ठी में रहें, बाकी चीज़ें भी इनकी मुट्ठी में रहें। अब ये बाकी चीज़ें मैं तब तक नहीं बोलूँगी जब तक मुझे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, थर्ड पार्टी की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर क्योंकि थर्ड पार्टी अभी तक दिख नहीं रही है, ठीक है, तो हो सकता है ये इन्हीं की दास्तां है। यूनिवर्स फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। लोनली फील कर रहे हैं, लाइक इनकी ऐसी मुझे हालत और दशा दिखाई दे रही है जहाँ पर अब इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, अब इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप थे तो बहुत ज़्यादा लाइफ जो है बहुत हैपनिंग थी, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी लाइफ में, लाइक वो था लाइफ से, जिंदगी से प्यार था, एक अजीब सी स्ट्रेंथ, एक अजीब सा स्ट्रांग वाला लकी वाला फीलिंग आता था इनको, हैपनिंग मतलब होता है ना एक अपने आप से प्यार करने वाली फीलिंग आती थी जहाँ पे खुद को सजाते थे, धजाते थे, लाइक शेव करवाएंगे, और अगर लड़की थी आपकी पार्टनर तो लाइक ज़्यादा मेकअप वेकअप या सलून वलून जाना, लाइक खुद को सजाते धजाने की आदत थी। अब आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में ऐसा हो गया कि ये अब किसके लिए ये सब करें, क्योंकि ये कर करके थक चुके हैं, कोई और भी अगर इनकी लाइफ में है तो उनके लिए भी करके थक चुके हैं, इनको लगता है आप नहीं हो इनकी ज़िंदगी में, इनको अप्रिशिएट करने वाला कौन, मोटिवेट करने वाला कौन, इनकी ज़िंदगी को अब आगे कौन ले जाएगा, कन्फ्यूजन यही है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा गिविंग रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स फिसलते चले जा रहे हैं आज, सो आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा गिविंग रहे हैं, आपने इस पर्सन के साथ ओवरली मतलब ओवर होकर चीज़ें की है, लाइक जो आपके बस में नहीं है आपने वो भी चीज़ें कर डाली है, जिसके कारण इस पर्सन ने आपको हमेशा ग्रांटेड लिया, हमेशा आपको सडन गोस्ट कर देना, आपको ऑन एंड ऑफ वाला बिहेवियर देना, डिसरिस्पेक्ट करना, आप हर्ट हो रहे हैं ये जानते हुए भी आपसे दूरी बनाना, ये काफ़ी तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका स्वभाव इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आप हमेशा गिविंग रहे हो, आपको बस करना है, बिना वजह ओवरली करना है, भाई ये आपको कुछ भी कर रहे हैं, कैसा भी बर्ताव कर रहे हैं, भाई आपको उनको थाली लेकर बोलते ना आरती की थाली लेकर पूजा करनी है कि मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग क्लियर क्यों नहीं हो जाते, देखो कि आपके पर्सन आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, अगर आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी होती है आपके पार्टनर से ही क्यों नहीं, मैं ओवरऑल लोगों के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन ओवरऑल लोग नेगेटिव दिखते हैं आप फटक से दूर हो जाते हो ना, देखते हो अरे ये गॉसिप कर रहे हैं बहुत बिना वजह का सर दर्द कर रहे हैं इनसे दूर हो जाओ, वैसे ही आपके पर्सन जब आपसे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ बिहेवियर है, झूठ बोल रहे हैं और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी हद तक इनका ऐसा है कि कोई क्लैरिटी ना देनी पड़े, कोई आंसर्स ना देने पड़े, कोई कमिटमेंट ना देनी पड़े, फिर भी आप उन्हें एंटरटेन कर रहे हो, सो थोड़ा सा दिमाग से काम लो आप लोग, ठीक है। ये पर्सन जो अब फील कर रहे हैं अब उसके लिए आप पोक करना मत शुरू कर देना उनको कि अरे तुम अकेले हो गए या तुम अकेली हो गई, मुझे यार तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारे लिए मेरे को फीलिंग होती है ये वो, नहीं मैसेजेस या कॉल्स करना मत खुद शुरू कर देना, इनको इनके लेसन लर्न करने दो, ओके। फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये मन में एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपसे लड़ने की, मैं बता दूं कि ये काफ़ी हद तक युद्ध को तैयार हो चुके हैं, इनकी युद्ध होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, झगड़ा, यस डेफिनेटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दो लोगों को देख रही हूँ जो भिड़त कर रहे हैं, थोड़ा आप और थोड़ा वो, आप कैसे, क्योंकि इनके दिमाग में वो चल रहा है कि ये आपसे कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जिसपे आप इनका बोलते ना बाहुबली में जैसे गला काट दिया था तो आप गला काटने में भी देरी ना लगाओ,
किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, ये खुद को सही साबित करने के लिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना ब्लेम करेंगे, जिस बात से आपको गुस्सा आने के चांसेस है, क्योंकि ये पर्सन मुझे स्ट्रैटेजीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे बात बनेगी नहीं, उल्टा बात बिगड़ जाएगी, बात में प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है, दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। तो फूड का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। ये आपके साथ देखो फ्रेश स्टार्ट जरूर चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि चलो लेट्स डू अ फ्रेश स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, क्योंकि तुमने पास्ट में यहाँ फलाना हमका ढिकाना जगह पर गलतियाँ की है और उस टाइम मैंने तुम्हें माफ़ किया। मेरा दिल बहुत बड़ा है भाई, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत महान हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने तुम्हें उस वक्त माफ़ किया था, लेकिन इस समय मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। कहाँ से ढूंढ लाए हो यार ऐसे नमूने को या नमूनी को, प्लीज माइंड मत करना, मैं काफ़ी फ्रेंडली हूँ, मेरा स्वभाव है कि मैं बहुत इस तरह बात करती हूँ जहाँ पर मैं कार्ड्स नहीं रीड करती, मैं आप लोगों का दिल रीड करने की कोशिश करती हूँ, आपकी सर्कमटेंसेज और सिचुएशंस को समझने की कोशिश करती हूँ, आपकी जगह पर रहकर उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। इसलिए कई कई बार क्या होता है ना, जब मैं कार्ड्स रीड करती हूँ कभी कभी मैं गुस्से में आ जाती हूँ और उसको सामने वाले को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती हूँ, लाइक कितने बेकार है, कितने ये हैं, मतलब अजीब सा है, सॉरी अगर आप लोगों को नहीं जम रहा है तो आप कोई और वीडियोस देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन कहाँ से लाते हो यार इन नमूनों को? ये पर्सन देखो आपके साथ कंप्लीशन जरूर चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ फ्रेश स्टार्ट हो, ये आपके लिए मरे जा रहे हैं, मैं आप लोगों को क्लियर लेवल पे बता रही हूँ, डेस्परेट हैं, मरे जा रहे हैं, इनको आपको कॉन्टैक्ट करना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वो फीलिंग ले आए हैं जहाँ पर आपके बिना इनका सर्वाइवल नहीं हो सकता, लाइक आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट प्रॉब्लम ये है कि इनके पास एक बड़ी सी लिस्ट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कैसे किया जाए? अब ये मत बोल देना कमेंट में, दीदी मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ पर वो मानता ही नहीं, वो बात करता ही नहीं। अच्छा है बात नहीं कर रहे, नहीं तो ज़िंदगी थोड़ी ऐसी हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड। आपसे मूव ऑन करने की कोशिश है लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, अपना अकल लगाना है आपको, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। यहाँ पे मुझे स्ट्रैटेजीज दिखी हैं, ये पर्सन सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि आपसे दूर जा सकते हैं, हालांकि नहीं जाएंगे, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, जिनसे आप डील कर रहे हैं ये आपके वो पर्सन हैं जिनके लिए हम ये कहेंगे टेढ़ा है पर मेरा है, मतलब ये आदमी या ये औरत जो भी हैं आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा हटी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, इनको अपनी बात बोलते ना मनाने के लिए, मानने के लिए कुछ भी करना हो, मतलब बोलते ना अपनी बात को मनवाने के लिए जो करना पड़े ये करेंगे, इनको जो सही लगेगा ये करेंगे, ठीक है। लगता है दीदी को आज मूड ठीक नहीं है, इस तरह कमेंट्स आते हैं मुझे। नहीं है भाई, मैं मेरे मूड के हिसाब से नहीं, मैं एनर्जीज को रीड करती हूँ। आपके पर्सन जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़िद्द में बैठे हुए हैं, उनकी बिना वजह बेबुनियादी हट यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ पर वो ज़िद्द ये कर रहे हैं कि वो आपके साथ स्ट्रैटेजीज करेंगे, वो आपसे दूरी बनाएंगे, अपने आप को जो है डिस्टेंस बनाकर ले जाएंगे, ताकि आपकी अकल ठिकाने आए और ताकि ये फ्रेश स्टार्ट जो चाहते हैं वो इनको मिले, क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि फ्रेश स्टार्ट ज़रूर करेंगे लेकिन एक बड़ी सी लिस्ट है, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के लिए बोलते हैं हिंदी में हस्ताक्षर, यस हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर या थंबप्रिंट दे दो और अप्रूव करो, अगर तुम अप्रूव करोगी या करोगे तभी ही मैं तुम्हारे लिए आगे बढ़ूंगा और तभी ही मैं तुम्हारे साथ इंजॉय करूंगा, मतलब इंजॉय करने के लिए भी कंडीशंस हैं। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। इनके इर्द गिर्द बहुत लोग हैं, ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, इनके इर्द गिर्द बहुत लोग हैं, मुझे फैमिली से रिलेटेड लग रहा है या फ्रेंड से रिलेटेड लग रहा है, कुछ लोगों के लिए डिफर करेगा, बच्चे भी हैं, ओके। यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि टेन ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन एक समय पहले हार चुके थे, इन्होंने क्विट किया था इस रिश्ते में, बट इस रिश्ते को अब ये दोबारा चाहते हैं, इसके लिए ये कुछ पापड़ ज़रूर बेल रहे हैं, ठीक है। पर इनके प्रॉब्लम ये है कि इनकी लाइफ में इनकी एक फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चे माँ कोई ना कोई ऐसा है जो इनके ऊपर हावी हो चला है, जिसके कारण ये आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे हैं, यानी कि बजाय उनको बोलते ना जवाब देने के, सटीक क्लैरिटी देने की कि देखो मैं इसका हाथ पकड़ कर चलूंगा, जो करना है कर डालो, मैं
मैं देख लूंगा, लाइक मैं देख लूंगी, लेकिन ना आपका हाथ पकड़ कर एक फैसला दे सामने वाले पर्सन को, नहीं ये पर्सन उल्टा करेंगे, ये पर्सन आपके साथ ही उल्टा खेलना शुरू कर देंगे. सो ये काफी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी इस रिश्ते में, अभी ट्रांसफॉर्मेशन आना बाकी है मेरे दोस्त. नेट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें, ये इस रिश्ते में मेंटेनेंस करना चाहते हैं. इस रिश्ते में लाइक काइंड ऑफ होता है ना, जैसे कार खराब हो जाती है तो कार कैसे हम बनवाने के लिए दे देते हैं, तो यस वो मुझे दिखाई दे रहा है. ये दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में. जो जो गलतियां इन्होंने की थी वो गलतियों को ठीक करना चाहते हैं. यानी कि कहीं अगर आपको लग रहा है कि इससे पहले ये रोमांटिक नहीं थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, तो ये सडनली बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे. अगर आपको लगता है कि पहले सरप्राइजेस नहीं देते तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस देंगे. इनका कहना ये है, इनका बोलना ये है, सब कर लूंगा या सब कुछ मानूंगी, सब कुछ करूंगी, बस आप इनके टर्म्स एंड कंडीशंस मान लो, क्योंकि ये आपको वो नहीं देना चाहते, वो नहीं दे सकते जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो. ठीक है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें. आप बिना वजह ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत ओवर स्ट्रेसेस, मतलब बहुत बिना वजह स्ट्रेस, डिप्रेसिव मूड, मतलब पॉजिटिव होते हो लेकिन दो दिन की चांदनी, फिर थर्ड डे पे पता नहीं आपको क्या ही हो जाता है, भूत चढ़ जाता है आपके अंदर. वो कौन सा लाइक एक भूत था, याद नहीं आ रहा है, एक वो नहीं था लाइक, यार देखो नाम याद नहीं आ रहा, एक मूवी थी भूल भुलैया, उसमें जो चुड़ैल थी वो कौन थी उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तारा करके ऐसे कुछ म्यूजिक बजता था, तो वो कुछ आपके अंदर आ जाती है दो दिन के बाद. नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्लैरिफाई करो. हे भगवान, दीदी आप कितना क्रिटिसाइज करते हो. छेड़ रहे हो यार, फ्रेंडली हूँ, प्लीज बुरा मत मानना. ओके, सो काफी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इस बात से परेशान होगे कि आखिर ये सुधरेगा कब, या ये सुधरेगी कब, इसको अक्ल कब आएगी, इसको हमेशा अपनी ही क्यों मनवानी है, इसको अपनी इज्जत क्यों रखनी है, इसने मुझे गोस्ट क्यों किया, इसने मुझे बात क्यों नहीं की, इसने मुझे बात की तो मुझे वो क्यों नहीं दिया जो ये मैं डिजर्व करती हूँ, वो देने की बजाय ये उल्टा इधर उधर की बातें, या ये मुझे ही विक्टिम क्यों ठहरा रहा है. आप परेशान हो इस बात से, ओवर थिंकिंग कि कहीं इसके पास ऑप्शंस है, इसके कारण ये ऐसा कर रहा है, इसकी फैमिली के पास इसको ध्यान देना है इसलिए ये ऐसा कर रहा है, इसलिए ऐसी कर रही है. बट मैं आपको बता दूं, समय कभी भी बदल जाता है झटके से, क्योंकि ओवरऑल आउटकम में जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वहाँ पे आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि रातों रात रख लग बदलने के जैसा कुछ होगा. मैनिफेस्टेशन जारी रखो, मैनिफेस्टेशन के कारण आपका लक बदलेगा, अचानक से समय बलवान होगा. द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स. आप इस बात से परेशान हो कि यार कब इसकी और आपकी बोलते हैं ना जिंदगी में बेटरमेंट आएगी, कब आप दोनों का रीयूनियन होगा, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो तकलीफ है ये ज़रूरी है. वो तकलीफ ये जो होगी ना, इससे आप लेसन सीखोगे. लेसन क्या सीखोगे कि आपको आगे अकेले बढ़ना है, आप आगे अकेले बढ़ोगे, ग्रो करोगे, और काफ़ी हद तक जैसे जैसे सक्सेसफुल होगे, जैसे जैसे पॉजिटिव होगे, सडनली आपके लिए चमत्कार होंगे. क्योंकि द व्हील का कार्ड है जिसका मतलब जब आप अपने अंदर परिवर्तन करोगे, यानी कि आपका रीबर्थ होगा. ये ऑब्स्टेकल कार्ड आपके सामने है, ऑब्स्टेकल कार्ड रीबर्थ की बात कर रहा है. जब आप अपना अंदर परिवर्तन करोगे, जब आप अपने अंदर मेंटेनेंस लाओगे, ठीक है, जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे, जब आपके अंदर बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आज टूटे हो, आज बिखरे हो, आज बुरी तरह गिर रहे हो, परेशान हो, रो रहे हो, मानते हैं, लेकिन जब आप इस तकलीफ से गुजरोगे तो आपको अपनी वैल्यू का एहसास होगा, उठोगे फिर और फिर चलने लगोगे, और लक बदलना सडनली, बोलते ना रातों रात चमत्कार, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, मिरेकल्स होते हैं. आपके पर्सन आपसे इस वक्त जो भी कहना चाहते हैं उसको बोलते ना मिट्टी डालो, वो वर्ड्स क्या है, मिट्टी डाल दो. ठीक है, इस वक्त आपको वो तारा वाली चुड़ैल बनने की या चुड़ैला बनने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मतलब भूत भूत, हाँ बोलोगे दीदी चुड़ैला तो होता ही नहीं है, नहीं भूत भूत, मैं वाले सारे खुश हो गए, अरे वाह 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 चुड़ैल बोला लेकिन हम लोगों को भूत नहीं बोला, मेरे को भी याद आ गया देखो. सो काफी हद तक इस वक्त परेशान मत होना, मंद बुद्धि है, जाने दो, जो बोलते हैं जो कहना चाहते हैं कहने दो. अब देखो मैं झूठ तो नहीं बोल सकती थी, मैं आप लोगों को ऐसे गुड गुड बनकर तो नहीं बोलूंगी, अरे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, इनका तो खाना पीना वो हड़ताल बोलते ना, खाना पीना मुश्किल हो गया है, हड़ताल पर चले गए हैं, काफी लोग ऐसा करते हैं. बट यार जो काज आए हैं वही मैं बताऊंगी. इस वक्त आपके पर्सन जो है स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, वो आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं पूरी तरीके से, पूरे दिल से, लड़की भी हो सकती है, चाहते हैं, इनकी इच्छा है, ये आपके लिए डेस्परेटली पागल हो चुके हैं, क्रेजी हो चुके हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ. आई वॉन्ट यू, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए, तुम मतलब मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ. बट
उसमें एटीट्यूड भी इनका। तो ये यही कहना चाहते हैं कि फ्रेश स्टार्ट करेंगे भाई, लेकिन दस्तखत कर लो पहले और अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना, गारंटी दे दो कि तुम अब जो है मेरी बात मानोगी या मेरे हिसाब से चलोगे। क्योंकि पिछली पास्ट में जो भी हम दोनों के बीच में हुआ, उसमें गलती पूरी तुम्हारी थी। तुमने वो चाय का कप सीधे से नहीं दिया था, इसीलिए वो मेरे ऊपर गिरा, समझे? उदाहरण था। अब ये मत बोलना दीदी चाय का कप नहीं था, हमारी लड़ाई किसी और बात पे हुई थी या हमारा मनमुटाव किसी और बात पे हुआ था। ओहो। सो ओवरऑल मैं ये कहूंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच अच्छा रहे हैं, इनका समय बदलेगा, इनकी सोच भी बदलेगी, बट आपको पेशेंस रखना है मेरे दोस्त। सो अब मैं एंजल कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ आपके लिए। मैं ना वो नाम याद करने की सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कब से। वो क्या नाम था, वो भूलभुलैया की चुड़ैल का, जरा कमेंट बॉक्स में बताना मुझे सब लोग। भूत या चुड़ैल जो थी ना उसमें, भूलभुलैया में अक्षय कुमार वाली मूवी थी, उसमें वो चुड़ैल बन जाती है, तो उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, सिर्फ म्यूजिक याद आ रही है। मैं ऐसे इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को इमेजिन कर रही हूँ। हे भगवान, यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजल्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को। मेरे व्यूवर्स कुछ भी हो ना, हंसते बड़े हैं। मतलब कोई दुखी वाला भी मैं वीडियो बता देती हूँ ना, दिखा देती हूँ कि ये देखो तुम्हारी लाइफ में ये हो रहा है वो हो रहा है, गिर गिर के हंस रहे होते हो और कमेंट में मेरे को लिख के, दीदी हम लोग बहुत हंस रहे थे। अरे भाई तुम लोग हंस रहे थे, मतलब अच्छा लगता है मुझे ये जानकर कि आप लोगों के अंदर इतनी पॉजिटिविटी आती है, समहाउ मैं मदद कर पाती हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन सीरियसली अजीब ही है, अद्भुत ही है। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक यू टॉक। तो अब समय आ गया है, हथौड़ा उठा दो, खुद पे मत मारो, दूसरे पे मारने का समय है। यहाँ पर आपको शेर बनना है, शेरनी बनना है, यानी कि अब जंग, मैदाने जंग होगी, ठीक है? आर या पार डिसीजन ले लो, बस हो गया, बहुत हो गया, तुम्हारे नाटक बहुत देख लिए, अब मैं आगे जा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, तुम तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशंस को रखो अपने पास, या तो वो पेपर लो और फाड़ के उसके मुंह पे फेंको और बोलो निकल रही हूँ, तुम्हारा जब हो जाएगा तब आ जाना, ठीक है? मुझे मालूम है तुम मेरे बिना तो रह ही नहीं पाओगे, तुम्हारी दाल तो वैसे ही नहीं गलेगी, तुम्हें कोई झेल भी नहीं पाएगा, मुझे गारंटी है तुम्हें वापस आना है। यूनिवर्स या ये कायनात तुझे घुमा कर वापस मेरे पास पटकेगी, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ या अच्छे से जानता हूँ। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, ठीक है? दूसरा कार्ड कहता है डिवाइन हीलिंग, लेकिन आगे बढ़ते वक्त खुद को हील करना बिल्कुल नहीं स्किप कर देना, हीलिंग चालू करो। पहले खुद के अंदर हीलिंग रिक्वायर्ड है, फिर सामने वाले की हीलिंग एक्सपेक्ट करो। पहले खुद ट्रांसफॉर्म हो, फिर दूसरा ट्रांसफॉर्म होगा, सामने वाला यानी कि आपके पार्टनर। बदलाव की उम्मीद सिर्फ उनसे मत करो, थोड़ा बदलाव आपको रिक्वायर्ड है, थोड़ा नहीं अधिकतर बदलाव आपके अंदर रिक्वायर्ड है। आप अपने आप को बदलो, आपकी सोच विचार को बदलो, लाइक सेल्फ लव, इनर वर्क, जो भी प्रैक्टिस करना है करो, मेडिटेशंस भी है और काफ़ी सेशंस होते हैं, वो चीज़ें आप जब ट्राई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, धीरे 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 जब आपके अंदर चेंजेस आता है, आप हील होंगे, आपके सारे चक्रास हील होंगे, मैजिक तब होगा, उसके बाद उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। खुद को लाइक बोलते ना, सब कुछ छोड़ दिया यूनिवर्स के ऊपर और कुछ एफर्ट डाल ही नहीं रहे हो, तो फिर बात नहीं होगी, कुछ बनेगा ही नहीं। फिर तो आपको थोड़ा हीलिंग अपने आप को पहले करना है, फिर आपके पर्सन खुद हील होंगे, ओके? आपके पर्सन ही भी हो सकती हैं, ओके? ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिपीट, ओके, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, ओके, हील करना है। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, आपके अंदर जब वो लाइट आएगी, वो शाइन आएगी, जब आपके बॉडी का बल्ब जलेगा, तभी ही दूसरों को रोशनी मिलेगी, तभी ही आपके जीवन में भी रोशनी आएगी, ठीक है? आपको वो तारा बनना पड़ेगा जो टूटा जरूर है, लेकिन वापस अपने यूनिवर्स में जाकर, बोलते ना, चार चांद बिखेर देगा। क्या बात बोली, वाह 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 वाह, कहाँ से लाइन्स कहाँ से लाती हूँ। सो लास्ट बट नॉट द लीज, आप सभी का फेवरेट, आपके पर्सन के कुछ हैंड रिटन मैसेजेस, यूनिवर्स मुझे बताएं। सॉरी मैम, आप लोगों को ये बीच में नहीं दिखा सकती, बहुत हैवी है, बार बार उठाना इरिटेटिंग होता है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, उनके पास ना मैसेज मेरी जान का मैसेज। मैं कुछ और भी ऐड करूंगी अभी, मैसेजेस चेंज करूंगी, ठीक है? You are not feeling the same for this person. आप लोगों के मन में ना फीलिंग्स चेंज हो रही है अपने पर्सन के प्रति। शायद आप लोगों ने लेट गो करना सीख लिया, शायद फाइनली आप लोग सरेंडर करना सीख चुके हो, शायद आपके मन में वो भावना आ गई कि भाड़ में जा तू नहीं चाहिए, वो वाला सॉन्ग आप लोगों ने गाना शुरू कर दिया, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार, दैट्स इट। कॉमेडी वीडियोज लगता है बहुत देख ली, हैप्पी एकदम, वो वाली हीलिंग हो रही है आपकी, जिसमें आप जो है अब इस पर्सन को या इस पर्सन ही को उस तरह फील नहीं कर पा रहे हो जिस तरह आप पहले करते थे। पहले आप पागलों की तरह लगे थे, हाय मुझे एक बार देख ले, मुझे एक बार हाय भेज दे, मेरे को एक बार अनब्लॉक कर ले, पर अब आपकी फीलिंग्स बहुत चेंज हो रही हैं, ठीक है?
यू आर नॉट फीलिंग द सेम फॉर दिस पर्सन, आप बदल चुके हो, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, इस बदलाव को कंटिन्यू रखो. ओके, यूनिवर्स हैज सम बेस्ट प्लान्स फॉर यू. यूनिवर्स के पास बेहतरीन प्लान्स होते हैं हमेशा. यूनिवर्स पे कभी डाउट नहीं करना, वो अपनी तरफ से अपने ढंग से काम करते हैं, उस तरीके से नहीं जिस तरह आप ऑर्डर करेंगे. लाइक ऐसा नहीं है कि आपके एम्प्लॉय हैं यूनिवर्स की, भाई आपने बोल दिया और वो हो गया. नहीं, टाइम लगता है. ही इज योर बॉस, लाइक शी इज योर बॉस, या यूनिवर्स इज योर बॉस. करेंगे, खुद से करेंगे. अप एंड डाउन पार्ट ऑफ योर लाइफ, डील विद इट. आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, इस पे परेशान होने की बजाय उसका सोल्यूशन ढूंढने की आदत डालो. ठीक है, फेलियर्स हमारी जिंदगी का पार्ट होता है. हर एक इंसान कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेल जरूर हुआ है, कभी प्यार में, कभी जॉब में, कभी कहीं और, बट उसको दोबारा उठना होता है. यही होता है ना लाइफ हमारा, यही हमारे कर्मा है, हमें यही करना है, मेहनत करनी है. ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि जल्दी ही हार मान जाते हैं. हार मत मानो, डटे रहो. जब अपने कर्मा पे फोकस करोगे, अपने अप एंड डाउन्स को एक चैलेंज समझकर फेस करोगे, तभी जिंदगी बदलेगी. ओके, ही शी इज वेरी लेजी. आपकी पर्सन या आपकी पर्सन ही एक नंबर कामचोर, एक नंबर लेजी है वो. आप लोगों को बहुत पहले मैंने एक वीडियो में एक कहानी सुनाई थी, जो एग्जाम्पल उदाहरण दिया था कि ईंट रखे हैं, ईंट उठाने के लिए गाड़ी उठाई तो गाड़ी पे भी जाकर सो गए. आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा. और वो मतलब वही उदाहरण आपकी पर्सन के ऊपर या पर्सन के ऊपर लागू होता है. ओवरऑल अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तभी मैं ओवरऑल ये बताऊंगी कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आलसी है, आपको अप्रोच करने के लिए 10 बार सोच रहे हैं. करना इनको है, एट दी एंड तो करना ही पड़ेगा, बट तब तक के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे, करूँ नहीं करूँ, अप्रोच करूँ, जाना सही रहेगा, कहीं मार तो नहीं पड़ेगी. लाइक इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अप्रोच कर ही नहीं रहे. मेंटेन साइलेंस बिटवीन एंड साइलेंस एंड पीस बिटवीन बोथ ऑफ यू. ओके, आप दोनों के बीच में एक सबर मेंटेन करो, साइलेंस मेंटेन करो, शांति रखो. लाइक ऐसे नहीं कि बेसबर होकर उनको बोलते ना खरी खोटी सुनाई, उल्टी सीधी गालियाँ दे दी कि अच्छा तू मेरे लिए स्ट्रैटेजी कर रहा है, बेटा तो गया अब काम से. लाइक उल्टा सीधा कुछ मत करना, साइलेंस मेंटेन रखो. ओके, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी. अपने आसपास जो है अच्छे लोगों के लिए अपना बोलते ना एनवायरनमेंट रखो. लाइक ऐसे जो लोग जो आपके सामने जो चचा जान या चाची जान टाइप की हैं कि अरे अभी तक नहीं आया तेरा बंदा, तू तो बहुत प्यार करती थी उससे, और वो कोई तू तो बहुत दीवाना था उसका. मतलब होता है ना दोस्त वो जबरदस्ती पोक करते हैं, बड़ी मिर्ची, इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो जो भी ऐसे लोग होंगे ना जो आपको बिना वजह तंग कर रहे हैं कि क्या हुआ तुम्हारा प्यार का पोपट हो गया, तो उनको उनसे दूरी रखो, खुद को बेटर रहेगा. क्योंकि उनके सामने जाओगे, खुद को डिमोटिवेट करोगे, रोने धोने लगोगे, परेशान हो जाओगे और बोलोगे अरे अब देखो मेरे साथ क्या हुआ, अपने दुखड़े फिर चालू कर दोगे. इससे अच्छा ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों के नजदीक रहो जो आपकी लाइफ में न्यू चीजों के बारे में बात करें. यानी कि न्यू चीज मतलब न्यू आइटम के बारे में नहीं, चालू हो गए मतलब वहीं पे दूसरी लड़कियों के बारे में या दूसरे लड़कों के बारे में चालू हो जाए सोचने के लिए. नहीं नहीं, न्यू चीजें मतलब लाइफ में कैसे ग्रो करना है, स्पिरिचुअल लर्निंग्स के बारे में बात करें. कोई ऐसे लोग हो जो आपके बिजनेस या आपके लाइफ गोल्स या आपके जॉब के बारे में बात करें, आपके सक्सेस के प्रति बात करें, आपको लाइफ में एक पुश दें, ऐसे लोगों के आसपास रहो. ऐसे लोगों के नहीं जो बैठ के सिर्फ आपको पोक कर करके सिर्फ आपसे इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे इंजॉयमेंट को देना बंद करो. ठीक है, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपके पार्टनर हो या कोई भी इर्द गिर्द के लोग हो, अपने आप को बदलो, ऐसे लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दो. ठीक है, सीधा ब्लॉक भी मत कर दो, लेकिन इनको अवॉइड करना सीखो. ओके, मेक हिम और हर जलस और इनसिक्योर. जो भी आपके पार्टनर या पार्टनरी हैं या लड़का है लड़की है जो भी है, इनको जलाने के लिए अब थोड़ा इनसिक्योर फील कराने के लिए धासू धासू डीपी लगाना चालू कर दो. फुल लॉन एकदम वो सेक्सी हॉट टाइप के ऐसे ऐसे डीपी लगाओ कि उनकी हालत ही खराब हो जाए कि अरे ये इसकी जिंदगी में हो क्या रहा है. लाइक होता है ना कि अजीब सा डेस्परेशन जागे. अब ये जलस करने के लिए ऐसा नहीं कि किसी लड़के या लड़की को पकड़ के फोटो खींच के डाल दिया उल्टा सीधा, वो बोलते ना ये सोच के कि अरे ये जलेगा, ये इसको दिक्कत होगी या इसकी इसको प्रॉब्लम होगी. तो इस तरह की हरकत मत करना, बात बनने की जगह बिगड़ भी सकती है. ठीक है, ओके. मैं वही सोचूं गाना क्यों नहीं है अभी तक. ये लो आपकी पेशकश, जो भी है मतलब सॉन्ग. कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आई ना यकीन, उतर आई झील सी जैसे चांद उतरता है कभी हौले हौले धीरे से. सो
काफ़ी ब्यूटीफुल सा सॉन्ग उन्होंने आपको डेडिकेट किया है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इनके लिए आप एक टूटता तारा समान हो, या बोलते ना झोली में आकर लॉटरी जैसा कुछ गिर गया है, ऐसा उनको लगता है, ऐसा फील होता है या ऐसा फील करती हैं, इसलिए ये सॉन्ग आपको डेडिकेट किया गया है, सुनना ज़रूर। इसमें आमिर खान ज़बरदस्त लगता है, लड़की का तो मुझे पता नहीं, लड़कों को हीरोइन अच्छी लगती होगी, लेकिन आमिर खान माय गॉड क्या लगता है, मतलब क्या ही वर्ड्स है उसके लिए। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई हो और मेरा ये फ्रेंडली बिहेवियर आप लोगों को अच्छा लगता हो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितनी रिजोनेट हुई या कितना मज़ा आता है, क्या ये रीडिंग को आप क्लेम करना चाहते हो। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, नंबर मैंने वीडियो पे दे रखा है, वीडियो पे से निकालो, व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो, पर्सनल रीडिंग किसी भी सूरत में फ्री नहीं होती, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे लाइव सेशंस अटेंड करने हो, जिसमें कभी कभार मैं फ्री रीडिंग्स कर लेती हूँ, कभी कभार मैं आ जाती हूँ, तो सारे चैनल्स के लिंक्स मैंने दे दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर फटाक से फॉलो सब्सक्राइब सब जगह करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी लाइव आ जाती हूँ, कोई प्लानिंग नहीं रहती मेरी कभी भी आने की, कुछ भी रह सकता है, कभी भी हो सकता है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे मैं शॉर्ट शॉर्ट पिकर कार्ड डाल रही हूँ इसी तरह की रीडिंग्स। आप लोग को इन्जॉय करना है तो इंस्टाग्राम पे जल्दी से मुझे फॉलो करो, ठीक है। उसके अलावा ब्रेसलेट बनवाना है तो डीलर का नंबर मैंने दे दिया है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ से और अपने लिए भी सेम बनवा सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।